हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। इस ट्यूटोरियल में हम लोग मेनली करेंगे ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमारा ऑक्टल की बात करते हैं, तो ऑक्टल में जो नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है वो 8 होता है, और 0 टू 7 तक इसमें हमारी डिजिट होती है। इसके अलावा डेसिमल की बात करते हैं, तो डेली लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं, 0 से 9 तक होती है, और इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। तो हमें इस ऑक्टल को डेसिमल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको देखेंगे प्रॉपर वे में एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे हमारे पास एक कोई नंबर है 1, 2, 3, ये हमारा ऑक्टल नंबर है, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, जैसे आप सिंपल जैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, सेम ऑक्टल को भी आपने डेसिमल में करना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 की पावर 0, ये हो जाएगा 8 की पावर 1, और ये हो जाएगा 8 की पावर 2। तो प्रॉपर वे में 1 × 8 की पावर 2 हो जाएगा, ये 1 × 8 की पावर 2 प्लस 2 × 8 की पावर 1, 2 × 8 की पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3 × 8 की पावर 0। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 × 8 की पावर 2, यानी 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 2 × 8, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 × 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसे आप ऐड करेंगे तो 6 + 4 = 10, 10 ये 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा, 6 + 1 = 7, 1 = 8, तो ये 83 हो जाएगा आपका डेसिमल इक्विवेलेंट। तो ये सिंपल है आपका, अगर ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट आप इस टाइप से इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यही चीज अगर आपको पॉइंट में दे दिया, मान लो हमें पॉइंट दिया है 0.11, ये आपका ऑक्टल है जिसे आपने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपने तब क्या करना है, जब ये पॉइंट पे दिया हो तो ये 8 की पावर -1, ये आ जाएगा आपका 8 की पावर -2। तो इंटू करेंगे हम 1 × 8 की पावर -1 प्लस 1 × 8 की पावर -2, तो वैल्यू हो जाएगी 1 × 1/8 प्लस 1 × 1/8 = 64। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 1/8 प्लस 1/64, एलसीएम लेंगे आप 64 इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 × 16 = 64 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 9/64 हो जाएगा। तो ये आपने डिवाइड करना है, 64 को 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपका, प्रॉपर डिवाइड आप कर लेना इसको, आ जाएगा 0.140625। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट जो होगा वो हमारा जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये ऑक्टल 0.11 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो ये आ जाएगा। अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, मान लो आपके पास एक नया क्वेश्चन आता है 1, 2, 3.11, ये ऑक्टल नंबर है, इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उस कंडीशन आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 1, 2, 3 ऑक्टल को, पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके अलावा आप 0.11 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, और फिर दोनों को मर्ज कर देना। जैसे 1, 2, 3 का अगर हम डेसिमल की बात करें तो ये आया था आपका 83 यहां से, और 0.11 का जो आया था वो आया था आपका 0.140625। तो ये अलग अलग में आ गई थी, अब इसको मर्ज कर देंगे तो 1, 2, 3.11 ये ऑक्टल है, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 83.140625, ये आपका डेसिमल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें फॉर्म होते हैं, यानी सिंपल एक तो ये वाला होता है, एक पॉइंट वाला होता है, या दोनों मर्ज करके दे देगा तो वो आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। थैंक यू फ्रेंड।